अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं आज कि हम किस तरह से विंडो के अपडेट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और जब हमारी मर्जी हो हम अपडेट इंस्टॉल करें, जब हमारी मर्जी हो हम उसे बंद करें, तो हम इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट में आ जाइए और टाइप कीजिए सर्च में विंडोज अपडेट सेटिंग, यहाँ पर आ जाएगी। तो आपने इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, विंडो अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद Choose how to update git installed। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, बल्कि चार ऑप्शन है यहाँ पर। इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर पर अपडेट इंस्टॉल हो और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो, तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड अपडेट्स बट लेट मी चूज वेदर टू इंस्टॉल देम, ये कह रहा है कि आपने इस ऑप्शन में क्या होगा कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अपडेट्स जो है, जो विंडो की नई अपडेट्स आएगी वो डाउनलोड होगी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से अपडेट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और कौन से नहीं करना चाहते। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है चेक फॉर अपडेट्स बट लेट मी चूज वेदर टू डाउनलोड एड इंस्टॉल देम। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ये आपको नोटिफिकेशन शो करेगा कि अपडेट्स अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। आखिरी ऑप्शन है नेवर चेक फॉर अपडेट्स नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पर लिखा है कि मतलब अपडेट्स के लिए बिल्कुल चेकिंग मत करो, कोई भी अपडेट डाउनलोड भी मत करो, और मैं इसे इंस्टॉल भी नहीं करना चाहता। तो ये आखिरी ऑप्शन जो है ये अपडेट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा आपके लिए। तो आपने इसे सेलेक्ट कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मैंने जो अपडेट्स की सेटिंग की थी, जो मैंने अपडेट्स बंद किए थे, उसको मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूँ कि मेरे जो अपडेट्स है वो इंस्टॉल हो, तो आपने क्या करना है, वापस विंडोज अपडेट्स को सर्च कर देना है स्टार्ट मेन्यू में विंडोज अपडेट्स सेटिंग में यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद चूज हाउ अपडेट गेट इंस्टॉल्ड, इसमें दोबारा आ जाइए, और यहाँ पर आपको जो सेटिंग पसंद हो, इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली, डाउनलोड अपडेट बट लेट मी चूज, और जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो इसमें सेलेक्ट कीजिए। इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। तो ये अपडेट्स जो है विंडो की अपडेट वो अब ऑन हो चुकी है, और आपसे मतलब बगैर पूछे आपकी अपडेट्स जो है वो आपके पीसी पर इंस्टॉल हो जाएगी जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस ट्यूटोरियल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।